मैं तो यूं कहूँ ये पार्टी 25 साल हो गई है जो मंगरा ठग ठगन 25 साल हो गई पार्टियों ने। अरे ये चोले बदल के इस नेता को छोड़ के इस नेता को पकड़ते हैं और पार्टियाँ भी ऐसी हो गई कि उनको टिकट देते नहीं तो उस चोले बदली को ही देता है। जो असली जो जनता में काम करता है उस आदमी को टिकट नहीं देते ये लोग। चुनाव रे अलावा, चुनाव में तो मैं ही आयो हैंग आए उन्हें अलावा। हाँ चुनाव रे अलावा तो नेता लोग अटैक कम आवे सर, बहुत कम आवे। प्रचारवाद तो हैंग आवे, प्रचारवाद हैंग आवे, बाकी 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 अटैक बहुत कम आवे। इनो कई कारण है? कारण आई जैसा के वो जातिवाद रहा समीकरण रहा हिसाब हूँ लोगों ने और कॉन्फिडेंट भेजा के मारे जाति रहा वोट मार करने खूब है मगर नहीं मोने जरूरत को नहीं आज सोच भी रहा के नेता लोग इन वास्तव है मगर आजकल के बाद में ऐसा है। देखो मैंने 5 साल में अभी तक भारतीय जनता पार्टी का अविनाश जी गहलोत साहब है वो जीते मगर अभी तक कोई पचानपुरा के अंदर या कि मौत मरगत पर अभी तक नहीं। खाली ये वोट के टाइम पे आते हैं और वोटिंग के लिए बोलते हैं हम लोगों को वोट चाहिए तो वोट मांगने आता है। बाकी इसके अलावा एक वोटिंग के लिए आते हैं, वोट मांगने के लिए आते हैं, इसके अलावा वापस मुंह नहीं दिखाते हैं। और अब इन लोगों को काला झंडा दिखाने का टाइम आ गया और काला झंडा ही दिखाएंगे ये मंगरा क्षेत्र। मैं एक बार आयो भी हूं, कई स्थिति है मंगरा चल रही मौके तो खूब स्थिति खराब है साहब। मैं तो वोट करनी है नहीं देवल हाथ जोड़ प्रार्थना कर रही हूं। नहीं वोट तो देवना भाई जी, किने 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 नहीं देवो, कारण नहीं देवना, कारण मौके रोड नहीं, पानी नहीं, लाइट नहीं, मौके को व्यवस्था को नहीं साहब। तो मैं वोट तो करनी है नहीं देवला भैया कह दीजिए आज ही उम्मीद मगोम में बस हाथ जोड़ भय निवेदन। मैं इन टाइम रहा जेतान विधानसभा चुनाव री यात्रा ने लेने मंगरा अंचल ने मायने मैं मौजूद हूँ। बतावनी चू मैं इन टाइम रहा कलब कलारी एक चाय री दुकान माते मौजूद हूँ। कहीं है कि चुनाव ने लेने हेंगू ज्यादा चर्चा चाय री दुकान माते रिया करे तो आज इन्हें चुनावी यात्रा लेने में मंगरांचल में तो मारे थे लोग है अटारा स्थानीय लोग है एणु बातचीत करना रो प्रयास करा क्योंकि मंगरांचल भी एक मोटो पार्ट है इन्हें जेतान विधानसभा इलाका रो जेतान शहरी जेतान विधानसभा नहीं है अलबत्ता मंगरांचल भी 1 लाख ऊपर वोट है इन्हें जेतान विधानसभा रहा। हाँ बादशाह कई नाम है आप रो? लोम सिंह नाम। कई नाम है? लोम सिंह। लोम सिंह जी आपने ठा है चुनाव चल दिया है? हाँ जांच कई रुझान है इन मंगरा रो? मंगरा को मांगे भाई साहब मुकुट सिंह जी थे। मुकुट सिंह जी खड़ा है एने अलावा और उम्मीदवार है देखो बीजेपी रे भी है कांग्रेस रा भी है और निर्दलीय वेड़े प्रति कहीं है इन एरिया में मारे? देखो मैं तो मांगे भाई का मिसारो मैं तो अन्य समय सारो पर रिया करो अबे वांगी कोई दूजा मन में भावना भाई जो कम आए। अब आप बताओ साहब के नेता लोग आवे कि नहीं आवे? नहीं आवे अटे मंगरा क्षेत्र में रावे इसको खाली वोट मांगने जावे बस वोट मांगने बतावे है कि वोट मांगने जाए। अगर आप रो कोई नाम है वो? मार नाम मदन लाल है सर। गांव क्यों मदन लाल जी? पचानपुरा हो। पचानपुरा हो तो काल पचानपुरा ये मगरा अंचल कई स्थिति है इन चुनाव री? चुनाव की स्थिति मतलब पूरी है जो एकदम मतलब कोई निश्चित बात नहीं कह सको इनमें आप मतलब सभी पार्टियां अपना अपना काम कर रही है और निर्दलीय भी अपना अपना जोर लगा रहा है। फिर भी इनमें मने यूँ लागे कि राजस्थान गवर्नमेंट में 195 वाला मामलो है जो टक्कर है जो बिल्कुल कांटा नहीं हुई। अपन जैतान में कहीं रही? जैतान में प्रभुत्व रे हिसाब तो अविनाश जी रो प्रभुत्व ज़्यादा है और फिर गोयल साहब है, गोयल साहब भी अपना काम करियो है काफ़ी मगरा क्षेत्र में वहाँ वर्चस्व है लेकिन टक्कर बराबर रही है दोनों रही। ओ बताओ है बार जो भाई साहब बताओ कि नेता लोग आए को नहीं करे मगर मायने? ऐसा है अविनाश जी गहलोत अबे हमारे नहीं चुनाव रे अलावा, चुनाव में तो मैं ही आयो हैंग आए उन्हें अलावा। हाँ चुनाव रे अलावा तो नेता लोग अटैक कम आवे सर, बहुत कम। प्रचारवाद तो हैंग आवे, प्रचारवाद हैंग आवे, बाकी 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 अटैक बहुत कम आवे। इनो कई कारण है वो? कारण आई जैसा के वो जातिवाद रहा समीकरण रहा हिसाब हूँ लोगों ने और कॉन्फिडेंट भेजा के हमारे जाति रहा वोट मार करने खूब है मगर नहीं मोने जरूरत को नहीं आ सोच भी रखे नेता लोग इन वास्ते वे मगर आंचल में कम आना चाहे आ है नहीं हाजी बात आ, एक बात एक भैसा अणु बात करनी चाहूँ। हाँ नमस्कार करो। हाँ नमस्ते सर खान साहब बहुत बहुत ही धन्यवाद। कहीं और को कहीं मने खान साहब आप मेरे गांव में खैरडी के वाला में आप पधारे हुए और आपने मेरा समस्या आपने दिखाई। एक बच्ची मिली थी आपसे उन्होंने बात किया, एक बच्चा मिला था उन्होंने आपसे बात किया लेकिन मैं तो अतरा दुखियों के भी कई बताऊँ 100 GB आवे बाकी सब लोगों मैं तो चलो मैं कोई भी पार्टी विशेष है हमें इतना नहीं है फिर भी मैं तो चाहूँगा कि मार तो भाई अपने गांव को तो कुछ तो विकास होना चाहिए
हमारे रोड नहीं है, लाइटें नहीं है, चिकित्सा नहीं है, भाई प्रेग्नेंट लेडीज वे तो उन्होंने की कर ले जाऊँ मैं। इन्हें जिम्मेवार कौन है? जिम्मेदार आपा, हम लोग जिम्मेदार है, क्यों हम लोग गलत आदमी को चुन रहे हैं। अब की बार हमने ये फैसला लिया है कि वोट का बहिष्कार कर, मैंने समझा वोट का बहिष्कार करोगे तो आपको कलेक्टर साहब को पहले ज्ञापन देना पड़ता है, तो वो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा भाई। वनौना ने भी कहना पड़ी कि भाई कुछ तो हमारे गांव में कुछ तो व्यवस्था करवाओ आप। मंगरांचल माने व्यवस्था नहीं है, जो कोई एक बुनियादी सुविधा रहनी चाहिए, वह सुविधा का अभाव है, वो लोग दुख पावे। हालांकि मेरे जैसे इंसान में बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद कमारा करो, मेरे बच्चे एजुकेटेड है, मैंने बाहर मुंबई में पढ़ा लिखा लिया, लेकिन मेरा गांव का टाबरों का भी, उनके लिए भी तो मुझे सोचना पड़ेगा ना। तो ये थोड़ा सा मैं जो भी कैंडिडेट है, मैं सरपंच साहब को भी बोलता हूँ, भाई साहब आप पूछ कई मुद्दा रहना चाहिए चुनाव रहा, एक नेता वोट मांगना, इन इलाका का कई मुद्दा रहना चाहिए मगरांचल रहा। मगरांचल के वास्ते एक तो रोजगारी समस्या सबसे बड़ी है, और प्राथमिक जो सुविधाओं वेनी चाहिए, जो को वह सुविधाओं अभाव है हाल तक। एक तो चिकित्सा रोटे बड़ो तो मतलब है जो महत्व नहीं दे रहा है चिकित्सा मामला में, घर घर सर्वे होना चाहिए, ऐडी कोई चीज़ों में ध्यान दे को नहीं, समस्या आ एक मोटी चिकित्सा वाली है। शिक्षा में शिक्षा रजिस्टर में देखो तो आप स्कूल में स्टाफ पूरा नहीं दिया करे, वे भी अपना राजनीति के वर्चस्व रहे हिसाब हूँ, थोड़ा दिन अवेयर बदली कर आ जाता रहे, तो शिक्षा रजिस्टर भी काफ़ी अपन बगरा क्षेत्र में ई वजह गिर रही हो। एक बार आप बताओ को नेता लोग चुनाव माने जावे, तो चुनाव माने जिन टाइम उन टाइम गाँव वाला या मगरा वाला और वो नहीं देवे ने और वो ने दे सा, लेकिन वो मतलब कौन में जू नहीं रहेंगे, क्योंकि बात एक मेन बात आपने मैं बता दी कि जातिवाद की समस्या की वजह वे लोग ने और कॉन्फिडेंट रहे कि मोरे जाति रहा वोट ही मोरे खूब है, जो को मोने मगरा एक वोट नहीं दे तो मोने कोई जरूरत को नहीं, मैं मोरे वैसे ही जीत जाऊँ, मतलब वो एक मारी मानसिक भावना इन टाइप रही है। तो आ स्थिति इन्हें मंगरांचल एक भाई साहब है, पूछनी चाहूँ कई नाम है आपरो, कई नाम है? मारा नाम मदन सिंह जी है सा, गांव चौराहे है सा। अच्छा कालब चौराहे मत अपा बैठा, कई स्थिति है इन्हें चुनाव लेने, कई विचार है आपरा? आपरा विचार, हमारा विचार यही है साहब के जो बड़ा बड़ा नेता लोग है सा वे खाली वोट लेने वास्ते आवे, बाकी पाँच साल में कड़ी मुंडो दिखाने नहीं आवे सा, समझे मार तो बस अट स्थिति बिगड़ी है सा, सब गरीब लोग है, कोई सब दुखी लोग है यहाँ बस, मगरा रो कोई ध्यान देवे कोई, मगरा रो कोई बड़ा बड़ा लो, नेता लोग खाली वोट लेने वास्ते बस माड़ा पैर ना आ जाओ साहब, बस दो चार जना आड़ा है जो जाने मिल जावे खाने के लिए जो वे हमारी करे बस, और कहीं बाकी तो मर तो मैं गरीब आदमी हूँ, मैं गरीब कोई सुनने वाला है नहीं है, कोई हुनने वालों को नहीं, खाली मगे मगरा में मुकुर सिंह जी है सब वे हमारी हुने सा, दुख सुख में वही जावे, मर गए तो वही आवे, दुख रहे तो वही जावे, बाकी कोई नेता लोग आ नटे खड़ा नहीं रहे। आवनो छे जब एक भैसा आया पोते वाला एने जय माता जी करू, कई नाम है आपरो? माधव रोड सिंह। ए गांव क्यों है? गांव कालब। कालब कई स्थिति है ने विधानसभा चुनाव आ तो था अपने चुनाव है? मोरद मुकुर सिंह है। कारण? हां कारण तो अटे कोई आवे को दी करे तो मगो तो धनी रो जे मास। अच्छा कोई आवे को नेटे? हां ये बात तो वोट मांगने आ रिया, वोट मांगने आवे तो, वोट मांगने आवे तो और काम करे, बाजू कोई गांव में नहीं मळने मतलब को। अच्छा सुख दुख रे माने आपरे काम नहीं आवे? हां सुख दुख में मुकुर सिंह आवे, मुकुर सिंह जी बराबर आवे, बराबर आवे, पण मुकुर सिंह जी मैदानी इलाका में नहीं आवे? नहीं नहीं मैदान और आए मुकुर सिंह जी आए, मुकुर सिंह जी आए। एक भैसा भेर है ने नाम पूछियो, कई नाम आपरो? मारा नाम इंद्र सिंह है। क्यों गांव इंद्र सिंह जी? ओए जैसा कई स्थिति है चुनाव लेने भैसा? क्यों जो बात एकदम सही है, एक ही बात, कारण वही कारण आपने बार बार कोई बताओ, एक ही चीज, एक ही चीज है। हाँ आपरो कोई नाम है? अच्छा कोई बात नहीं, वोट जरूर देना है, बोलने को है। हाँ भाई साहब आप कोई नाम है? केवल सिंह है। क्यों गांव केवल सिंह जी? वही यस। कहीं स्थिति है इन्हें गाँव री कालब कलरी? स्थिति बढ़िया है एकदम। किन्ने हते ज्यादा है, किन्नो कहीं जोर है? देखो पपलिंग जिटी है मुकुट सिंह जी हंडे। कई मुद्दों रहना चाहिए चुनाव रहा? बढ़िया एकदम एकदम बढ़िया चल रही है मामला। किन्नो चल रही है? मुकुट सिंह जी चल रही है। अच्छा मुकुट सिंह जी चल रही हो। ए गांव रे माने नेता लोग आवे आवे सा अबार तो आवतरी आडे दिन आवे ना। देखो
कोई काम पड़े देने भी आवे ऐसी बात नहीं है। नहीं गांव री समझ से हुन्ने आवे नहीं आवे घरे बैठना अलग है ब्याह में आना अलग है हैं नहीं आवे सा कोई नहीं आवे केवल मुकुट सिंह जी जरूर आवे। मुकुट सिंह जी दुख सुख में हर बात कोई भी काम पड़े आप आधी रात रा फोन कर दो 10 मिनट में ठेठ आ जाई मारा खुदरो भाई बेरा में पड़न मरिया सा जिन टाइम में फोन करे जने उबे रास्ते रास्ते पूरे पैदल पूरी नदी में पैदल पैदल मुकुट सिंह जी एकला आया और उसके बाद में फिर पुलिस प्रशासन को बुलाया मुकुट सिंह जी ने खुद ने फिर बुला के फिर हमारी सब व्यवस्था वहाँ सेट करी थी। हाँ, आप रो कोई नाम बतायो हाँ कई विचार है इन चुनाव लेने सर अपन का तो मुकुट सिंह को देना चाहे तन मन धन से अपन उनके साथ में और मेरा और भी तो और है मैदान में 9 जना आने वाला और है लेकिन अपने मुकुट से है तो मुकुट से ही रहेंगे मरते दम तक। क्यों हमारे अगर वो एक मतलब ये फैक्ट्री के अंदर लपड़ा हुआ था एक्सीडेंट हो गया आदमी एक मिनट रुक जाना भैया लपड़ा हुआ था तो 11 लाख रुपए वो सेट क्या 1 लाख ही दे रहा था 11 लाख रुपए इन्होंने पास करवाए। आप रो कोई नाम है वीरम सिंह साहब क्यों गांव वीरम सिंह जी छोटी कालब है कन्ने कनी जे कई मुद्दो रहनो छे जे चुनाव रो कई स्थिति है इन मगरा इलाका री। मैं तो मुकुट सिंह जी ने साहब सा एकदम बाकी अविनाश गहलोत और बीजेपी कांग्रेस मैं एक बिल्कुल वोट नहीं दे बार क्योंकि मैंने हालत देखो मारे रोडो की थी आप रोडो की हालत देखो फिर मैं बीजेपी ने चाहता था अब की बार मतलब अविनाश गहलोत मौका एडो बुरी हालत की दिए देखो ना आप रोडो की हालत देखो आप बाकी मैं हो बीजेपी का यार ठेठ बीजेपी में रिया हो पर अब की बार मैं मुकुट सिंह जी यूं बुला रहा था अविनाश गहलोत आने के बाद में मौके हालत का की दी हीरा सिंह जी रोड बनाने के बाद में दिलीप चौधरी ने वापस रिन्यू कराया बाकी कोई नहीं तो ऐसे हुई ही को नहीं चाहता में जो मौके दिलीप जी भी मैदान में है अब की बार दिलीप जी है तो बहुत अच्छी बात है साहब पर बाकी दिलीप जी चौधरी जी हमारा रोड फाचो रिन्यू करवाई बाकी इसके अलावा कोई नेता ही किसी ने करवाया नहीं है रोड वापस भाई मैं तो हाँ। मुद्दों का मुद्दों तो साहब मुद्दा बेरोजगारी इतना और बाकी समस्या देखो गांव की माँ के वो मुद्दों खास मुद्दों समस्या को है बाकी मैं अभी के बार जिन वास्ते मुकुट सिंह जी ने खड़ो करियो सा एक भाई जी ने भी बुलाने चाहूं चुकी एक महिला रो प्रतिनिधित्व भी रहना जरूरी है इन्हें चुनावी चौपाल माने। हाँ भाई जी नाम जानने चाहूं आप रो मारा नाम केली देवी खेजड़ी का वाला को खेजड़ी रो वालो जट मैं एक बार आयो भी हूं कई स्थिति है मंगरान चल रही मौके तो खूब स्थिति खराब है साहब अन मैं तो वोट कनी है नहीं देवला हाथ जोड़ प्रार्थना कर रिया हूं नहीं वोट तो देवणो भाई जी किनन किने नहीं देवो कारण नहीं देवणो कारण मौके रोड नहीं पानी नहीं लाइट नहीं मौके को व्यवस्था कोनी साहब जो मैं वोट तो कनी है नहीं देवला भैया कह दीजिए आज जियो मती म गांव में बस हाथ जोड़ भैया निवेदन है। हां एक भाई साहब आने बुलाने चौक कई नाम है केवल सिंह जी नाम है मेरा नाम केवल सिंह जी है मैं पछाणपुरा पंचायत से हूं और आज की टाइम में यहाँ जो पछाणपुरा जो कालम कला के बीच में है इस रोडों की इतनी कंडीशन भयंकर खराब है जो कि आपको बता नहीं सकते ऐसे ऐसी हमारे सब देखी सर आंगलो ना प्योड़ी आंगलो ठीक सर तो मैं तो यही चाहता हूँ कि मंगरा क्षेत्र में देखो कि अभी आज के टाइम में ऐसा माहौल है कि मुकुट सिंह जी बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं और जो लोग पब्लिक है ना यहाँ की लोगों को लगता होगा कि बीजेपी में समर्थन करते मगर बीजेपी में कोई समर्थन करने वाले लोग नहीं है लोगों आपको ऐसे बतावा दिखावा करे उसके पीछे 2-3 लोग हैं जो ऐसे खाली चवानागरी करते हैं और रही बात यहाँ पे गुंडा और माफिया बहुत बड़े भयंकर फैल चुके हैं उन लोगों की वजह से। मैं तो ये चाहता हूँ कि अब की बार मुकुट सिंह जी आएंगे और भारी मतों से जीतेंगे और मंगरा एक हो चुका है और मुकुट सिंह को जीत दिलाएंगे। अब आप बताओ कि चुनाव माने नेता खूब आया करे चुनाव बाद मान आवे नहीं आवे चुनाव के बाद में ऐसा है देखो मैंने 5 साल में अभी तक भारतीय जनता पार्टी का अविनाश जी गहलोत साहब है वो जीते मगर अभी तक कोई पछाणपुरा के अंदर या कि मौत मरगत पर अभी तक नहीं खाली ये वोट के टाइम पे आते हैं और वोटिंग के लिए बोलते हैं हम लोगों को वोट चाहिए तो वोट मांगने आता है बाकी इसके अलावा एक वोटिंग के लिए आते हैं वोट मांगने के लिए आते हैं इसके अलावा वापस मुंह नहीं दिखाते हैं और अब इन लोगों को काला झंडा दिखाने का टाइम आ गया और काला झंडा ही दिखाएंगे ये मंगरा क्षेत्र के लोग। तो बहरहाल आप मंगरांचल की स्थिति आप देख पा रहे रहला मैं इन टाइम रहा कालब कला गांव रे माने मौजूद हूँ चुनावी चौपाल लेने मौजूद एक भैसा है एनु नाम जानने चो काई नाम आपरो नाम दलपत सिंह सा गांव क्यों है गांव कालब खुर्द पचौन पर है सा पंचायत पचौन पर लागे मैं तो यूं कहूँ ये पार्टी है 25 साल कई है जो मंगरा ने ठग ठगन 25 साल हो गई पार्टी ने अरे ये चोले बदल के इस नेता को छोड़ के इस नेता को पकड़ते हैं और पार्टियां भी ऐसी हो गई कि उनको टिकट देते नहीं तो उस चोले बदली को ही देता है जो असली जो जनता में काम करता है उस आदमी को टिकट नहीं देते ये लोग और जनता के साथ में अन्याय करने वालों को नहीं देते टिकट और जो दोनों पार्टी के ऐसे चोरों को टिकट दिया है कि कोई काम का नहीं है ये
और मंगरा क्षेत्र में कभी इन्होंने दो बार मुंडा नहीं दिखाया आप जितने के बाद में 5 साल के बाद में। आप बताओ चुनाव रो मुद्दों को ही रहना चाहिए जो को आप रो बोल रहे हैं। चुनाव रो मुद्दों हो जैसा कि मैं पूरा मंगरो एक हो चुका है, मैं मुकुट सिंह ने भी वोट दिया हूँ, मैं किन वोट नहीं दो। तो बहरहाल आप हम सबको अटारी स्थिति हम सबको अधिकतर लोगों रो मत है मुकुट सिंह जी, वो है ना निजी विचार है, पार्टियां अलग अलग है, कई दावा एक मोटी मोटी शिकायत ऐसा कर नेता लोग चुनाव जीत रहे बाद माने इन्हें मंगरा अंचल दी सूद ले को नहीं सहित वो एक कारण है कि इन्हें गाँव रहे माने इन्हें मंगरा अंचल रहे गाँव रहे माने आज भी जो को बुनियादी सुविधा वे सुविधा कटिन कटी वेणो अभाव है, सड़क टूटोड़ी है, चिकित्सा है नहीं है, शिक्षा है नहीं है, हालांकि कागदार माने तो बहुत सारी योजनाएं चले लेकिन धरातल माते जो बार भाई लोग गाँव वाला बताए नहीं कड़प गलारा है, पचानपुरारा है, छोटी कड़बरा है, खेजड़ी है, बहुत सारा गांव है, दर्जनों गांव है इन मंगरा अंचल तो आ धरातल स्थिति है। तो बहरहाल लू मैं ही मारो नाम आईबी खान, आप इन टाइम चुनावी मैदान सीधा चुनावी मैदान देख रहे हो।